करके चले गए और राधा रानी पहले ही चली गई। तो श्याम सुंदर इधर उधर खोज रहे हैं, प्रिया जी को खोज रहे, वृंदावन में पागल जैसे होकर के श्याम सुंदर खोज रहे। इतस ततस्ता मनुष्य राधिका मनंग बाण दृढ़खिन्न मानस कृतानुताप सकलिंद नंदनी तटंत कुंजे निशसाद माधव। भगवान इतस तथा इधर जाते थे उधर जाते थे खोज रहे, जैसे संसारिक प्राणी संसार में आकर इधर उधर होता है, इधर उधर होता है, क्या खोजता है, विषय सुख खोजता है, पागल जैसा होगा वैसे ही भगवान प्यारे श्याम सुंदर भी खोज रहे हैं। कैसे इतस ततस्ता मनुष्य तेराधिका मनंग बाण दृढ़खिन्न मानस, राघवेंद्र सरकार को पागल जैसे घूम रहे। जब जंगल के आदमी कोल भी देखता था तो कहता है दशरथ का लड़का है, अपनी पत्नी के लिए पागल, वो क्या जानता था भगवान, वो कहता देख देख देख। जब भगवान सीता जी के बीरा में सोना का हिरण खोज रहे थे तो छोटे छोटे जो हिरण थे जो असली हिरण थे तो भगवान बाण लेकर दौड़ रहे थे तो वो हिरणिया कह रही है कि हम लोगों के पास नहीं आए, पर क्यों तो हिरण खोज रहे ना हम लोगों के पास नहीं आए, ये पागल हो गए सोना का हिरण खोज रहा। इसी तरह यहाँ श्याम सुंदर का भी बीरा है, श्याम सुंदर पागल हो गए और पागल होकर के कृतानुताप सकलंद नंदनी तटांत कुंजे निशसाद माधव। तो तट के कुंज पर निशसाद, निशसाद का अर्थ होता है बैठ करके माधव। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि इन दोनों श्लोकों का यदि कोई स्मरण करेगा तो अमृत का खान उपस्थित हो जाए। देखिए हे भगवान सत कोटि गोपी संगे रास विलास, सौ करोड़ गोपियों के साथ प्यारे श्याम सुंदर का रास विलास चल रहा है। तार मध्य एक मूर्ति रहे राधा पास। जब भगवान अब जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण बन गए, सब गोपियों के साथ श्री कृष्ण है, लेकिन किसी गोपी को यह पता नहीं है कि दूसरे के पास भी कृष्ण है। ये देखिए भगवान की माया, स्वभिमोहिनी स्वजन विमोहिनी और विमुख जन मोहिनी, तीन जो माया है भगवान की। तो श्री कृष्ण को भी पता नहीं चलता है कि मैं अनंत रूप धारण किया हूं, क्योंकि ईश्वर शक्ति है। जब भगवान ब्रज में रहते हैं तो ईश्वर को फेंक देते हैं, खबरदारी कर बताना, लेकिन ऐश्वर्य शक्ति भी जब समय मिलता है तो सेवा के लिए उपस्थित है। जैसे कोई पति अपने पत्नी को डांट करता है, खबरदार तुम हमारी सेवा मत करो, लेकिन वो पत्नी इसी ताक में रहती है कि जब सेवा का अवसर आए तो कर दे। उसी तरह ब्रज में ऐश्वर्य को भगवान बहुत दूर फेंक दिए, लेकिन उसको भी जब मौका मिलता है तो सेवा कर ऐश्वर्य शक्ति। तो रास में अनंत कोटि ब्रज गोपियों के साथ अनंत श्री कृष्ण बन गए हैं और सभी गोपियों को पता चल रहा है कि कृष्ण केवल मेरे पास है, दूसरे के पास नहीं, और कृष्ण को भी ये पता नहीं है कि मैं अनंत रूप धारण किया, क्योंकि ऐश्वर्य का काम कर रहा है। राधा रानी बीच में प्रियालाल का विहार चल रहा है और राधा रानी को भी ये पता नहीं, ना कृष्ण को पता है कि मैं अनंत रूप धारण किया। तो तार मध्य एक मूर्ति रहे राधा पास, उसमें एक मूर्ति राधा रानी के पास, राधा रानी अचानक राधा रानी के पास ऐश्वर्य काम नहीं कर, कृष्ण कितना भी भयंकर रूप बनाकर आवे राधा रानी के पास तो उनका ऐश्वर्य काम नहीं। विद्यापति जी का पद है कि एक बार भगवान चार हाथ पकड़ कर चार हाथ धारण करके राधा रानी के पास आए तो राधा रानी को देखे तो भगवान श्याम सुंदर का विष्णु का जो चार हाथ उड़ गया। राधा रानी के पास ऐश्वर्य उनका काम नहीं, एक गह चिकुर दूसरे गह भीम तीसरे कुछ चौथे कुछ सिंह और पंचक पाणिक बाढ़ल आस। विद्यापति जी वो भगवान श्री राधा रानी के प्रेम के आगे इनका प्रेम उड़, इनका ऐश्वर्य भाग। तो राधा रानी जब देखी कि अरे तो ये कृष्ण मेरे पास है, फिर इधर दृष्टि गया करो उस गोपी के पास भी है, उस गोपी के पास है, उस गोपी के भी पास है,
तो राधा रानी देखी साधारण प्रेम देखी सर्वोत्तर सम्मत जैसा मुझसे प्रेम कर रहा है जैसे मेरे साथ नृत्य कर रहा है वैसे उस गोपी के साथ भी नाच रहा है उस गोपी के पास भी नाच रहा है। तो राधा रानी का कुटुल प्रेम है बामतारू धर्म। जब यह देखी राधा रानी तो राधा रानी महाराज एकदम बामा नायिका हो बामा नायिका माने गोपी अरे क्या किया। अब देखिए सत कोटि गोपी ते नहे काम निर्वार कर 100 करोड़ गोपियां भी श्री कृष्ण की इच्छा का पूरी पूर्ति नहीं कर पाए यहाँ ते अनुमानी राधिकार गुण। इससे पता चलता है प्रिया जी का गुण राधा रानी का। जय जय श्री राम जय जय श्री राम। प्रभु कही लागे आईलाम तुम्हार स्थान। श्री चैतन्य महाप्रभु राय रमानंद जी से कह रहे हैं कि अब मैं समझ गया कि श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने हमको क्यों यहाँ पर भेजा है। इसीलिए है से सब रस वस्तु तत्व है ये सब जानिल से साधन निर्णय आगे तार किछु सुनिवार मन। मैंने अब तो समझ गया कि भगवान श्री हरि रास क्यों किए रास का उनका क्या लक्ष्य था। और राधा रानी रास छोड़ करके चली गई उनके अन्वेषण के लिए श्याम सुंदर गए हैं ये सब उनको पता है। इसके आगे यदि कुछ है राधा रानी की सर्वोत्कृष्ट लीला उसको हमें बताएगी। तो उसी रस को यहाँ पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी सर्वोत्कृष्ट जो रस है राधा का कर्य भाव प्रिया जी की चरण सेवा जो कर रहे हैं उस सेवा में निमग्न होकर के उस रस का आस्वादन कर रहे हैं। जय जय श्री राम। आज से 4 से 5 खिलाफ उसके बाद हम लोग कल से निर्णय। जय जय श्री राम जय जय श्री राधे निताय गौर हरि।